नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। तो बढ़ते हैं कुछ मुख्य खबरों की तरफ। आज आदर्श जनप्रिय इंटर कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामकिशोर साहू, क्षेत्रीय महामंत्री, विशिष्ट अतिथि मंडल प्रभारी और सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र जैन, अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष पंचम पटेल, कार्यक्रम का संचालन धीरेन्द्र बुंदेला व आभार रविन्द्र सोनी ने किया। प्रधानमंत्री आवास में धांधली भ्रष्टाचार को लेकर ग्राम बड़ागांव निवासी पूरन लाल पुत्र लोकी राम ने एक लिखित प्रार्थना पत्र विकास खंड अधिकारी को देकर बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में मेरा नाम पात्रता की श्रेणी में आया था, लेकिन वर्तमान प्रधान व सचिव ने प्रधानमंत्री आवास से मेरा नाम सूची से अलग कर दिया है। जब मैंने कारण पूछा तो कहने लगे बिना पैसों के प्रधानमंत्री आवास पास नहीं करूंगा, जिसके बदले में मुझे व सचिव को 20,000 दो, तभी आवास की सूची में नाम आएगा। प्रार्थना पत्र में प्रधान व सचिव के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई है। मऊरानीपुर में गत रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने छत के रास्ते मकान में घुसकर बक्सों में रखे सोने चांदी के जेवरात व नकदी लेकर चंपत हो गए। लहचूरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम धायपुरा निवासी चंद्रभान यादव पुत्र सूरज सिंह ने बताया कि चोरी हो जाने की जानकारी सुबह जागने पर परिजनों को हो सकी, जबकि परिजन बगल के कमरे में सोते ही रह गए और चोरों ने नकदी व जेवरात पर से हाथ साफ कर दिया। चोरी हो जाने की सूचना यूपी डायल 112 नंबर पुलिस को दी गई, जिससे पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। सरकार के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशाल साइकिल रैली निकाली गई। गुरुवार की सुबह झलकारीबाई चौराहे से नगर के प्रमुख चौराहों से होते हुए साइकिल रैली निकाली गई, जिसने किसान विरोधी कानून को वापस लेने तथा बढ़ते हुए तेल, पेट्रोल, रसोई गैस जैसे पदार्थों में अधिक मूल्यों को वापस किए जाने की मांग की है। गुरुवार को दोपहर देश के प्रधानमंत्री के द्वारा राशन उपभोक्ताओं को लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें ग्राहकों से सीधा संवाद किया गया। इसके लिए पूर्व निर्धारित समय पर सभी राशन विक्रेताओं को आदेश दिए गए थे कि गुरुवार को दिन में 1 बजे राशन की दुकानों को फूल माला से सजाया जाएगा तथा ग्राहकों को बैठने के लिए कुर्सी व पानी की उचित व्यवस्था की जाएगी। नौकरियों के नाम पर कई जगहों पर लोगों से ठगी करने का मामला आपने कई बार सुना होगा। ऐसा ही एक मामला झांसी के प्रेम नगर के भावनगर रहने वाली युक्ति पूजा परिहार ने मैरिज ब्यूरो में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला पुलिस को दर्ज कराया। वहां पर सैकड़ों लोगों को शादी करवाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करके लोगों से भारी भरकम रकम ली जा रही है। पुलिस अधीक्षक और उनकी जालसाजी कर सैकड़ों लोगों को ठगने वाली पूरी टीम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सरकारी विभागों में अफसरों की लापरवाही हर रोज देखने को मिल रही है, चाहे वह नगर निगम का विभाग हो या सरकारी नलों के द्वारा पानी भेजने के लिए जल संस्थान, लेकिन सरकारी अफसरों की लापरवाही हर जगह किसी ना किसी रूप में देखने को मिल ही जाती है। ऐसा एक मामला हमारे सामने आया है जहां बिना नलों के कनेक्शन के सरकारी पानी दिए लाखों रुपए की रसीद काटी गई। जल संस्थान द्वारा, आपको बता दें कि महानगर में 50% से भी ज्यादा जल संस्थान द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता है। इस मामले को गैर कानूनी घोषित करके इस पर रोक लगा दी है। जल्द से जल्द गैर कानूनी तरीके से ले रहे टैक्स पर जवाब मांगा है। झांसी स्किल में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा लाभार्थी पात्रों को निशुल्क गेहूं चावल के साथ थैला वितरण किया गया। गुरुवार को दोपहर देश के प्रधानमंत्री के द्वारा राशन उपभोक्ताओं को लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें ग्राहकों से सीधा संवाद किया गया। इसके लिए पूर्व निर्धारित समय पर सभी राशन विक्रेताओं को आदेश दिए गए थे। गुरुवार को दिन में 1 बजे राशन की दुकानों को फूल माला से सजाया जाएगा तथा ग्राहकों को बैठने के लिए कुर्सी व पानी की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक में गुरुवार को भारत और जर्मनी के बीच हुए कांस्य पदक मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराया और 41 साल का भारत का हॉकी में मेडल का सूखा खत्म हुआ। भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार मॉस्को ओलंपिक खेल 1980 में गोल्ड मेडल जीता था, वहीं आखिरी बार ब्रॉन्ज मेडल भारत में म्यूनिक ओलंपिक खेल 1972 में अपने नाम किया था।
आज भारत में एक बार फिर इतिहास रचा और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। बुंदेलखंड की मुख्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।